नमस्कार, जय हिंद। कैसे हो दोस्तों आप सभी। मैं रविंद्र आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में मैं आपको इंडियन आर्मी अग्निवीर सोल्जर टेक्निकल का जो है मैं कंप्लीट एक इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं दोस्तों। इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, इसका सिलेबस क्या है दोस्तों, साथ ही साथ इसके लिए आप जो है प्रिपरेशन कहाँ से और कैसे कर सकते हो। वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखते रहिएगा क्योंकि आप सभी को पता है अब की बार जो है इंडियन आर्मी पहले एग्ज़ाम लेगी, देन आप अगर एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हो तो ही आप जो है आगे के प्रोसेस फिजिकल मेडिकल में शामिल हो पाओगे। सो दोस्तों यहाँ पे एग्ज़ाम जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन गया है, और अगर आपको सही एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस का पता नहीं है तो आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर सकते। सो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट जो है वीडियो रहने वाली है। सो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। दोस्तों यहां पर भाई अग्निवीर जो है टेक्निकल के लिए, अग्निवीर जीडी जनरल ड्यूटी के लिए, अग्निवीर क्लर्क के लिए डिफेंस शिक्षा ऐप पर जो है बैचेज आ चुके हैं दोस्तों। प्राइस थोड़ा सा हायर साइड रहेगा भाई, लेकिन यहां पर दोस्तों हमारा जो मेन एम रहेगा भाई वो रहेगा 100% गारंटीड रिजल्ट यहां पर रहेगा दोस्तों। अगर आप बैच को ज्वाइन करते हो तो हर एक स्टूडेंट पर जो है टीचर की पैनी निगाह रहेंगी दोस्तों। बिल्कुल उसको जो है हर एक बात जो है बताई जाएंगी मात्र 50 डेज के अंदर दोस्तों। अगर आपने पहले कुछ भी नहीं पढ़ा है तो भी आप एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो। यहाँ पर जो टीचर्स हैं दोस्तों वो जो है आर्मी के अंदर उनका पढ़ाने का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो वो आपके साथ जो है यहाँ पे जुड़े रहेंगे। कोई भी डाउट आए पर्सनली आप जो है उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो दोस्तों। इस बैच के अंदर सिलेबस कंप्लीट कवर करवाया जाएगा, लेटेस्ट पैटर्न पर है, टेस्ट सीरीज आपको दी जाएंगी, नोट्स ई बुक आपको दी जाएंगी दोस्तों। कुछ नहीं बदला है, बस अब की बार क्या है एग्जाम ऑनलाइन होगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों अगर आप अच्छे से गाइडेड वे में तैयारी नहीं कर पाओगे तो भाई आप एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो इस बैच को अगर आप ज्वाइन करते हो तो दोस्तों आप 101% जो है सक्सेस पा सकते हो। यहाँ पर ये जो बैच है दोस्तों वन बैच एवरीथिंग, मतलब इसके अंदर आपको सब कुछ दिया जाएगा जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सो अगर आप एग्जाम क्वालिफाई करते हो तभी आप जो है रैली में पार्टिसिपेट कर पाओगे, ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। सो सारा फोकस अपने एग्जाम पर रखिएगा। फीस पर दोस्तों मैं मानता हूँ भाई, लेकिन यहाँ पर जो है हमारे पास लिमिटेड सीट है, हम गिने चुने कैंडिडेट को ही लेंगे दोस्तों, ठीक है। तो अधिक जानकारी के लिए भी आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हो दोस्तों, डिफेंस शिक्षा ऐप, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और कॉन्टैक्ट डिटेल भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो वो भी आप एक बार चेकआउट कर सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं दोस्तों भाई। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ दोस्तों आपका जो एग्जाम पैटर्न है वो बड़ा ही सिंपल सा है। देखिए दोस्तों इन्होंने जो है क्लियरली यहाँ पे बता दिया है कि जो एग्जाम पैटर्न यहाँ पे रहेगा दोस्तों आपका, भाई देखो मैं आपको जूम करके भी जो है एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है। जो आपका एग्जाम पैटर्न है दोस्तों वो बड़ा ही सिंपल सा है भाई। आपका जो टोटल अगर मैं बात करूँ दोस्तों यहाँ पे भाई चार सब्जेक्ट आपके अंदर रहे आपके एग्जाम के अंदर रहेंगे दोस्तों, जिसमें जीके रहेगी, मैथ रहेगा, फिजिक्स रहेगी और केमिस्ट्री रहेगी। अगर मैं बात करूँ दोस्तों यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन की, तो जीके के 10 क्वेश्चन आएंगे, मैथमेटिक्स के 15 क्वेश्चन आएंगे, फिजिक्स के 15 आएंगे और केमिस्ट्री के 10 क्वेश्चन आएंगे दोस्तों। हर एक जो क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स का रहेगा भाई, ठीक है। यानी अगर मैं बात करूँ तो एक जो क्वेश्चन है वो आपका 2 मार्क्स जो है कैरी करेगा। तो अगर यहाँ पे पास मार्क्स की बात करें तो 40 है दोस्तों, 40 जो है यहाँ पे पास मार्क्स रखे गए हैं। मतलब देखो टोटल जो अगर मैं बात करूँ भाई नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने दोस्तों हमारे पास 50 जो है नंबर ऑफ क्वेश्चन है। अगर मैं मार्क्स की बात करूँ तो 100 मार्क्स है भाई, और 100 मार्क्स में से अगर आप 40 नंबर या इससे ज़्यादा लेकर आते हो तो आप जो है एग्जाम को क्वालिफाई किए माने जाओगे, ठीक है दोस्तों। अगर मैं बात करूँ भाई ड्यूरेशन की तो 1 आवर वही आपका एग्जाम जो है एग्जाम रहेगा। और एक और बात दोस्तों यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी भाई, अब की बार आपकी 0.50 मार्क्स की जो है यहाँ पे पर रॉन्ग आंसर पे जो है नेगेटिव मार्किंग जो है आपकी की जाएगी, ठीक है। अगर हम बात करें दोस्तों सिलेबस की, देखो भाई ये जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका पड़ता है। आपका जो सिलेबस है दोस्तों ये देखिए भाई, जैसे पहला ही जो सब्जेक्ट है वो है जीके, क्योंकि जीके आपके कितने मार्क्स की आएगी, जीके आएगी दोस्तों यहाँ पे 10 मार्क्स, 10 क्वेश्चन आएंगे भाई 20 मार्क्स की, ठीक है। तो जीके के अंदर जो टॉपिक रहेंगे एब्रिवेशंस रहेंगी, फुल फॉर्म जिसके अंदर नेशनल और इंटरनेशनल कवर किए जाएंगे, स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आएगा दोस्तों, अवार्ड्स एंड प्राइजेस से, हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, टर्मिनोलॉजी से दोस्तों, यानी जो बेसिक इकोनॉमिक टर्म्स होती हैं, लीगल टर्म्स होती हैं दोस्तों, और एस्ट्रोनॉमिकल टर्म्स होती हैं, ज्योग्राफिकल टर्म्स होती हैं, उनसे आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। यूएनओ से रिलेटेड जो है आएंगे दोस्तों, यहाँ पे करंट का भी डाटा आपको कवर करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों भाई नेक्स्ट पेज की ओर मूव कर लेते हैं हम, तो नेक्स्ट पेज में अगर हम बात करें दोस्तों तो यूएनओ से रिलेटेड आएंगे, बुक्स एंड ऑथर्स आपके एग्जाम के अंदर आएंगे। यहाँ पे अगर हम बात करें नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, उसके बाद बुक्स एंड ऑथर, उसके बाद प्लांट एंड एनिमल दोस्तों, करंट अफेयर,
हुज और हु मतलब जो बेसिक करंट अफेयर्स होते हैं दोस्तों, जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं वहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। टोटल 10 क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आएंगे दोस्तों जीके के, जो कि 20 मार्क्स आपके कैरी करेंगे। उसके बाद आता है दोस्तों फिजिक्स, फिजिक्स से हमारे जो है 15 क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों, जो कि आपके 30 मार्क्स कवर करेंगे दोस्तों। फिजिक्स एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आपके एग्जाम में आ जाता है। मैं यहाँ पे टॉपिक्स के नाम बताऊंगा दोस्तों, टॉपिक के अंदर भी कौन कौन से टॉपिक आपको करने हैं वो भी सिलेबस के अंदर अच्छे से आपको बताया गया है। जैसे अगर हम बात करें दोस्तों मोशन, फोर्स एंड एनर्जी, यहाँ पे मैटर से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा दोस्तों, मोशन से, फोर्स से। उसके बाद दोस्तों ग्रेविटेशन से भी आपके अंदर क्वेश्चन आएगा। और यहाँ पर ध्यान रखना दोस्तों जो क्वेश्चंस का लेवल रहेगा, भाई देखो वैसे आप सभी को पता है सोल्जर टेक्निकल के अंदर जो क्वालिफिकेशन रहती है दोस्तों वो रहती है भाई 10+2 PCM, ठीक है। 10+2 अगर आपने PCM से कर रखा है तो आप इसके अंदर जा सकते हो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे इन्होंने बता दिया है कि जैसे ग्रेविटेशन, तो ग्रेविटेशन में न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से, फ्री फॉल और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सिंपल पेंडुलम से, रिस्टोरिंग फोर्स से, रिलेशनशिप बिटवीन लेंथ एंड टाइम पीरियड से, ठीक है। जब मैं एक आपको सैंपल पेपर कराऊंगा दोस्तों तो उसमें एग्जैक्ट क्वेश्चंस का भी आपको आइडिया हो जाएगा कि भाई एग्जैक्ट जो है कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेवल क्या रहता है और पूछने का स्टाइल क्या रहता है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी सिलेबस का जो PDF है वो मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, तो टेलीग्राम को आप जरूर से ज्वाइन करके रखिएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। फिलहाल हम टॉपिक्स की बात कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। उसके बाद वर्क एनर्जी एंड पावर जो है टॉपिक रहेगा दोस्तों, लाइट रहेगा भाई, हीट रहेगा। ध्यान रखना दोस्तों 11th 12th तक के लेवल का आपको यहाँ पे कवर करने की आवश्यकता रहेगी, लेकिन जो क्वेश्चंस का लेवल रहेगा भाई वो ज्यादा डीप नहीं रहेगा, ठीक है। आगे मूव करें दोस्तों भाई, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पेज की ओर मूव करते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट पेज में भाई अगर हम बात करें यहाँ पे, आप बस टॉपिक टॉपिक के नाम देख लो दोस्तों, बाकी एक एक टॉपिक के अंदर सब टॉपिक्स कितने हैं वो हम जब बैच के अंदर सिलेबस कवर करेंगे तो वहां पर हम जो है एक एक पॉइंट को डिस्कस करते चलेंगे दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी हो गया भाई, मैग्नेटिज्म हो गया, साउंड हो गया, वेव मोशन हो गया, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट हो गए, सन एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी हो गया, फ्यूल्स हो गए, हीट इंजन हो गए। दोस्तों ध्यान रखना भाई फिजिक्स यहाँ पे जो कवर होगी वो 6 से 12 तक की होगी, लेकिन यहाँ पे जो लेवल रहेगा दोस्तों वो डीप लेवल बिल्कुल भी नहीं रहता है दोस्तों, ठीक है। एंड अगर हम बात करें भाई आगे की, तो आगे दोस्तों हमारी है भाई न्यूक्लियर एनर्जी, और उसके बाद है भाई हमारे पास यहाँ पे न्यूक्लियर एनर्जी। तो ये जो टॉपिक्स हैं दोस्तों ये 8th क्लास से स्टार्ट हो जाते हैं और अप टू 12th लेवल तक जो है ये टॉपिक्स आपके जाते हैं। मैथमेटिक्स की अगर हम बात करें दोस्तों, तो मैथमेटिक्स में आपका भाई अर्थमेटिक रहेगा, एल्जेब्रा रहेगा। अर्थमेटिक के अंदर भी इन्होंने टॉपिक बता दिया है, नेचुरल नंबर, इंटीजर, फ्रैक्शंस, रेशनल इरेशनल नंबर, डेसिमल, HCF एंड HCF, LCM, स्क्वेयर रूट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, एवरेज प्रॉफिट लॉस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। एलजेब्रा के अंदर दोस्तों एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एलजेब्रिक एक्सप्रेशन, HCF, LCM, फैक्टराइजेशन, सिंपल इक्वेशन, सर्ड्स एंड इंडिसेस, लॉगरिथम, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 एंड 3 वेरिएबल्स, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। कैलकुलस के अंदर दोस्तों एलिमेंट्री एंड बेसिक प्रॉब्लम्स आपसे पूछी जाएंगी भाई। मेंसुरेशन के अंदर एरिया एंड वॉल्यूम, ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस। ज्योमेट्री के अंदर दोस्तों लाइन एंड एंगल से क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद भाई पैरेललोग्राम से, सर्कल से, स्टैटिक्स आपका रहेगा दोस्तों, मीन मीडियन मोड निकालना। प्रोबेबिलिटी रहेगा भाई, कंप्यूटिंग से क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों। अगर हम यहाँ पे बात करें भाई केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री के अंदर दोस्तों मैटर नेचर एंड बिहेवियर, मैटर नेचर एंड बिहेवियर से, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से दोस्तों, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट से, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल से, केमिकल बॉन्ड, इलेक्ट्रोलिसिस, नेचुरल रिसोर्सेज से आपके जो है ये टॉपिक यहाँ पे रखे गए हैं। तो अगर मैं ओवरऑल बात करूँ दोस्तों, तो आपका जो एग्जाम का पैटर्न है भाई, लेवल के क्वेश्चन जो है वही रहेंगे दोस्तों, कोई चेंजमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन जो सिलेबस है भाई वो आपको एक बार अच्छे से कवर करना पड़ेगा, क्योंकि भाई एग्जामिनर कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन उठा के दे सकता है, ठीक है। तो अगर हम सिलेबस पूरा कवर कर रहे हैं दोस्तों, तो भाई कहीं से क्वेश्चन दे दे हम इजीली जो है उसका आंसर दे पाएंगे, ये तो आप सभी को पता है। जब हमने पाठ ही बहुत अच्छे से पढ़ा है तो उसमें से कितने भी क्वेश्चन निकाल दें हम उसका आंसर दे पाएंगे। सो भाई इस बैच के लिए अगर आप इंटरेस्टेड हो तो डेफिनेटली आप ज्वाइन कीजिएगा। आप कॉल पर जो है अपनी क्वेरी भी ले सकते हो दोस्तों, अगर आप सेटिस्फाई हो तभी आप ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि ये जो बैच है ये 100% रिजल्ट बैच है। लगभग लगभग 40 डेज के अंदर दोस्तों आपका जो है ये बैच हम जो है कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। 40 डेज के अंदर बैच कंप्लीट हो जाएगा, बाकी के जो दिन हमारे बचे हैं दोस्तों उनमें हम बहुत अच्छे से रिवीजन करेंगे। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, बैच को ज्वाइन करने के बाद आपको एक अलग से बुक भी परचेज करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो सारी चीजें जो कि आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकती हैं वो सारी हमने जो है इसके अंदर ऐड कर दी हैं, ठीक है। पेमेंट लिंक एक्टिवेट हो चुका है डिफेंस शिक्षा ऐप पर, अधिक जानकारी के लिए वहां पर जाके आप जो है पेमेंट करके बैच को ज्वाइन कर सकते हो। इसकी जो क्लास
क्लासेज हैं दोस्तों 23rd से जो है स्टार्ट हो जाएंगी भाई। बाकी सारी जो है पीडीएफ वगैरह वो सारे आपको मिल जाएंगे। 23rd से जो है आपको जो है सब्जेक्ट वाइज क्लासेज देखने को मिल जाएंगी। टाइम टेबल और जानकारी जो है वो आपको अलग से बता दी जाएगी जो भी कैंडिडेट बैच को ज्वाइन कर रहे हैं। सो दोस्तों और कोई डाउट है तो आप बता सकते हो, इसका पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा। हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।